हेलो बच्चों, गैंग्स ऑफ टॉपर वेलकम्स यू अगेन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो आज का चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिनरल्स क्या होता है और एनर्जी रिसोर्सेस का क्या मतलब है। तो पिछले चैप्टर्स में या पहले के जो भी 4 चैप्टर्स हुए हैं उसमें मैंने ये बता दिया है कि रिसोर्सेस क्या होता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि हर चैप्टर कहीं ना कहीं रिसोर्स के आसपास घूमेगा, क्योंकि हर चीज़ तो रिसोर्स ही है, जो भी हमारा नीड्स को सेटिस्फाइड कर रहा है और जो भी हमारा रिक्वायरमेंट्स को फुलफिलमेंट करता है। तो मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स का मतलब होता है कि वैसा कोई भी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, उसका एक डिफिनेट शेप होगा, कुछ उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका कुछ कंपोजिशंस होगा, उसका कुछ केमिकल कंपोजिशंस होगा। मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी मिलता है वो कहीं ना कहीं मिनरल्स है, लेकिन वो मिनरल्स हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं, उसमें कितना पार्टिकल्स गैंग्यूई है, कितना उसमें वेस्ट मटेरियल है, कितना उसमें ओर है, उसके बाद हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि मिनरल्स है कि नहीं। ठीक है, तो मिनरल्स का डेफिनेशन यही होता है कि वो एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस है, उसका कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका एक लेकिन डेफिनेट शेप होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिनरल्स एक सिंपल से भाषा में। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है? एनर्जी तो हर काम के लिए चाहिए ना, डूइंग एवरी एक्टिविटी यू नीड एनर्जी। और एनर्जी तो क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर टू द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तो पहले ही पता है आप लोग को। तो एनर्जी इतना इंपॉर्टेंस है कि उसका इतना इंपॉर्टेंट है कि हर काम में एनर्जी आपको जरूरत होता है। अब आते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स जो भी है या एनर्जी है, वो दोनों का दोनों ना एक ह्यूमन बीइंग के लिए प्लस एक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है, उसमें बेसिकली पढ़ना है कि मिनरल्स क्या होता है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स को कितना पार्ट में बांटा गया है, एनर्जी रिसोर्सेस क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कैसे करेंगे, उसको कैसे बचाएंगे, और लास्ट में मेरा कंक्लूजन है कि इससे क्या निकला, ये चैप्टर पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। देखिए, मैंने पहले ही कहा था मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स क्या है? होमोजीनियस नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस, होमोजीनियस नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस विथ डिफिनेटेबल इंटरनल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिनरल्स। बोलो ना, वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस, इसको हम लोग खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन इसका डिफिनेट शेप होता है। जैसे कि ये शेप होगा, कुछ इसका फिक्स शेप होता है और ये अंदर में होता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी सेम होता है, मतलब कुछ होता है, और ये नेचर में फाइंड होता है, और इसका बहुत तरह का रेंज है। मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स है कि आपको लोहा है, कॉपर है, गोल्ड है, तो इसका वेरियस टाइप ऑफ है। जैसे कि डायमंड भी है, एक तरह का मिनरल ही है। डायमंड इज कॉल्ड एज हार्डेस्ट, हार्डेस्ट मतलब ये मिनरल है, हार्डेस्ट मटेरियल है, और सबसे सॉफ्टेस्ट कौन है? टैल्क, जो हम लोग गर्मी के दिन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग पाउडर बोलते हैं, पाउडर। तो ये भी एक तरह का मिनरल्स मिला है। कहाँ से मिला? अर्थ क्रस्ट से मिला है। तो वही बता रहा है कौन हार्डेस्ट है, कौन सॉफ्टेस्ट है। ये वैरी करता है कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया गया, उस टाइम पे उसका टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था। तो इसीलिए ना मिनरल्स का भी बहुत वेराइटीज ऑफ मिनरल, मोर देन 1000 मिनरल्स है अर्थ क्रस्ट के अंदर, लेकिन हम लोग कुछ ही एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं या हम कुछ ही यूज़ कर पाते हैं। जो भी, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, माइका हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो यही बताना चाह रहा है कि इसमें इसका रेंज बहुत है। ये जो फॉर्मेशन होता है उसका, वो डिपेंड करता है फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन पे और केमिकल कंडीशन पे। मैंने पहले बताया था ना कि उसका क्या केमिकल कंडीशन है, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो उससे इफेक्ट करके ना वहाँ पे कौन सा मिनरल्स बनेगा उस पर डिपेंड करता है। उसी आधार पर उसका हार्डनेस होगा, उसी आधार पर उसका क्रिस्टल फॉर्म होगा, मतलब उसके अंदर कौन सा मटेरियल से बना, मतलब कौन सा उसका क्रिस्टल होगा। जैसे कि पत्थर है, उसमें ये ना छोटा छोटा क्रिस्टल होता है, देखिए ऐसा ऐसा, ये कौन सा क्रिस्टल से इसमें बना हुआ है, उसका लश्चर कितना होगा, कितना चमकीगा वो, उसका डेंसिटी क्या होगा, उसका कलर क्या होगा। तो ये सब डिफाइन करता है कि किस एरिया में मेरा मिनरल्स बना है, या मैं किस एरिया में मेरा मिनरल अकर हुआ है, बना मतलब कि नेचुरली अकर हुआ है। ठीक है, तो सिंपल से भाषा में ये है कि मिनरल्स जो भी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिल रहा है, उसका एक डेफिनेट शेप है, कुछ उसका स्ट्रक्चर है, केमिकल कंपोजिशन है,
और होमोजेनियस का मतलब होता है एक जैसा, होमोजेनियस का मतलब होता है एक जैसा होना, तो उसी को बोलते हैं मिनरल्स। शायद समझ आ गया हो। एग्जाम्पल पे बहुत है, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, मैग्नीज है, माइका है, तो ये हो गया मिनरल्स का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। अब है अकरेंस ऑफ मेटल्स या मिनरल्स, मतलब मिनरल्स कैसे आता है, मतलब आखिरकार जमीन में कैसे बना, तो इसका बहुत सारा फैक्टर है। ये एक छोटा सा स्लाइड है, देखिए मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स, ओर्स में फाइंड होता है। ओर्स मतलब मिनरल्स जो हम लोग निकालते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग अर्थ क्रस्ट के अंदर ना डायरेक्ट लोहा निकालते हैं, ऐसा नहीं होता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर हम लोग ओर मिलता है, ओर का मतलब वो होता है कि मिनरल्स के साथ लगा हुआ गंदा। अगर इतना मिनरल्स है तो इसमें ना बहुत सारा गंदा पार्टिकल्स है, उसको साफ करेंगे, हटाएंगे, उसको बहुत सारा मेथड होता है वाशिंग करने का, फिल्ट्रेशन करने का, उसके बाद हमको जाके मिनरल्स मिलता है। सिंपल सा एग्जांपल समझिए ना, जो हम लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं कच्चा तेल, वो पूरा ना एक तरह से कैसे रहता है बता रहे, थिक विस्कस रहता है, मतलब वो पूरा गाढ़ा रंग का मड रहता है। आप एक तरह से आपको समझने के लिए मड होता है, मड जैसा होता है, तो उसको हम लोग गाड़ी में इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे, वो तो मड हम लोग थोड़ी इस्तेमाल होता है गाड़ी में, उसको हम लोग तेल बनाते हैं, मतलब उसको फिल्ट्रेशन करते हैं, डिस्टिलेशन होता है, और लास्ट में प्योर पेट्रोल होता है, वो हम लोग उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा मेथड से पास हुआ, बहुत सारा फिल्ट्रेशन से पास हुआ, उसमें बहुत सारा ओर था। ओर का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी मिनरल्स निकालते हैं उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज रहता है, उस इम्प्योरिटीज को हटाएंगे बहुत सारे मेथड से, तो उस जो बचेगा लास्ट में मेरा प्योर, उसको बोलेंगे मेटल्स, उसको बोलेंगे मिनरल्स, जो हमको लास्ट में मिलता है। तो मिनरल्स जो होता है ना, वो कोई भी मिनरल्स निकालेंगे तो अर्थ के अंदर से निकालेंगे, तो अर्थ में तो बहुत सारा है ना, जैसे कि बहुत सारा मिट्टी लगा है, गंदा है, तो जैसे एग्जांपल आलू जब खेत में होता है तो उसमें बहुत सारा मिट्टी होता है, बहुत सारा उसमें डस्ट पार्टिकल होता है, उसको हम लोग साफ करते हैं, धोते हैं, लास्ट में उसको आलू मिलता है। एक सिंपल सा भाषा में उसी तरह मिनरल्स में भी बहुत सारा इम्प्योरिटीज, बहुत सारा डस्ट मटेरियल, बहुत सारा अनवांटेड सब्सटेंसेस होता है, उसको हटाते हैं तो लास्ट में हमको मिनरल्स मिलता है, जो बहुत कम हो जाता है, उसी को बोल रहा है ओर। अगला पॉइंट क्या है, मिनरल अकरेंस इन द फॉर्म, देखिए किस किस फॉर्म में होता है। इग्नियस रॉक के अंदर होता है। इग्नियस रॉक क्या होता है, एक तरह का रॉक है जो पैरेंट रॉक होता है उसके अंदर होता है, और ये कहाँ होता है, क्रैक्स, सिरेमिक्स एंड फॉल्ट, ये कुछ नहीं है, पत्थर के अंदर फट गया है उसको बोलते हैं फॉल्ट, उसी के अंदर होता है लूट्स एंड फॉल्ट, उसी का पार्ट है, आगे पढ़ाएंगे। जैसे कि पत्थर है, पत्थर मान लीजिए भूकंप आया, ये फट गया, इसके अंदर कुछ मिनरल्स है, तो अगर बड़ा है तो उसको बोलेंगे लोड्स, छोटा है तो उसको बोलेंगे वेंस, वो क्रैक ही होता है, ठीक है। फिर क्या है, वही स्मॉल जॉइंट्स में होता है, बस वही चीज़ है। सेडिमेंट्री रॉक में भी फाइंड होता है। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या, सेडिमेंट्री मतलब ये लेयर बाय लेयर, एक इस तरह इस तरह इस तरह, वो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, लेयर बाय लेयर बनता है, बैठता होगा, आप कभी देखते होंगे कि पहाड़ पे या पत्थर पे उसका रंग चेंज हो गया है, अगर काटे होंगे मतलब साइड से मिट्टी कटता होगा तो नीचे हल्का ब्लैक है, ऊपर हल्का सा ब्राउन है, फिर वाइट टाइप का, तो वो लेयर बाय लेयर बनता है, तो सेडिमेंट्री रॉक में भी बहुत सारा मिनरल्स फाइंड होता है। फिर क्या है आपको अनदर मैटर क्या है कि बहुत सारा वेदर हो गया रॉक, मतलब वेदर मतलब बहुत सारा टूट टूट के कहीं ना कहीं आके डिपॉजिट हो गया, उसको उससे भी हम लोग को मिनरल्स मिलता है। कुछ मिलता है आपको एलोवियल सॉइल के अंदर। एलोवियल सॉइल जो होता है डिपॉजिट, वो क्या होता है, एलोवियल सॉइल हम पहले भी पढ़ा है कि वो बेस्ट सॉइल होता है, उसका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो सॉइल बहते बहते आता है, मतलब कहीं से मिट्टी काटते हुए आ रहा है, या कुछ कहीं से वो बहते बहते आ रहा है, मेनली फ्लड एरिया से, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा मिनरल्स, बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा जो मिनरल्स है उसमें बहते बहते आ जाएगा और कहीं एक जगह डिपॉजिट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें भी मिनरल्स है, तो वही बोल रहा है कि एलुवियल सॉइल में भी होता है। फिर ओशियन फ्लोर में तो बहुत सारा, ये तो कहना नहीं, ओशियन फ्लोर में कितना ज़्यादा मिनरल्स है कोई नहीं बता सकता, उसमें जैसे कि मैग्नीज नूडल्स हो गया, इस तरह से बहुत सारा मिनरल्स है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, उसमें बहुत सारा मिनरल्स फाइंड होता है जो अभी भी एक्सप्लोर हो रहा है, उसको बोलते हैं डीप सी मिशन, जो इंडिया भी इसमें पार्ट है। उसके बाद क्या है, कुछ माउंटेन्स में है, कुछ सैंडी एरिया में है, कुछ हिली एरिया में, तो यहाँ पे मेरा अकरेंस ऑफ मिनरल्स है, मतलब ये सिंपल से भाषा में ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ मेरा मिनरल्स का अकरेंस है, कहाँ कहाँ मेरा मिनरल्स पाया जाता है। देखिए यही इसी स्लाइड में बहुत अच्छे से ना पूरा डिटेल एक्सप्लेन है, ताकि आप समझ पाए। और तो मैंने पहले बताया था कि मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स, जो मिनरल्स है ना वो जनरली ओर में ही फाइंड होता है। क्यों, ओर मान लीजिए इतना बड़ा है तो मिनरल्स बस इतना ही होगा, क्यों
क्योंकि उसमें जो भी गंदा है वो तो हट ना जाएगा। तो इसीलिए बोला कि मिनरल्स में ही, मतलब मिनरल्स जो फाइंड होता है ना वो ओर के अंदर ही फाइंड होता है। ओर का मतलब बता दिए, बहुत सारे इंप्योरिटीज है, बहुत सारा उसमें गंदगी है, बहुत सारा अदर पार्टिकल्स है, उसको साफ करेंगे, उसको हटाएंगे तो लास्ट में उनको मिनरल्स मिलेगा। तो वही बोल रहा है, एन ओर इज एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विथ अदर एलिमेंट्स। क्या बोला कि वो मिक्स होता है अदर एलिमेंट के साथ। मिनरल कंटेंट ओर मस्ट बी सफिशियंट कंसंट्रेशन। लेकिन एक चीज में ये है कि ऐसा नहीं कि ओर में इंप्योरिटीज ही बहुत ज्यादा हो और मिनरल्स कम हो तो हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, पहले भी चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग बताए थे कि मिनरल कोई भी हम लोग रिसोर्स को अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करता है। कि क्वालिटी तो अच्छा होना ही चाहिए लेकिन क्वांटिटी क्या है कि कितना मात्रा में है, अधिक मात्रा में है तभी हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हम लोग इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द आउटपुट कॉस्ट। तो शायद समझ गए होंगे, इसीलिए कहा जाता है कि ये हम लोग जब निकालते हैं तो उसको हम लोग चेक करते हैं कि है कि ये कमर्शियल वाइवल है, मतलब इसको बेचने से फायदा होगा। ऐसा नहीं कि हमारा इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया और आउटपुट कॉस्ट मेरा कम हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि मिनरल्स कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में आता है। देखिए वेंस एंड लोड, वेंस एंड लोड कुछ नहीं है, बताया ना कि पत्थर में जो क्रैक आ गया, क्रैक के अर्थक्विक में आया, मानी अर्थक्विक के चलते उसमें क्रैक आ गया। अब क्रैक में मिनरल्स फंस गया, मतलब उसमें उसमें मिनरल्स स्टोर हो गया या उसमें मिनरल्स डिपॉजिट हो गया। तो बड़ा पत्थर मतलब बड़ा क्रैक है, मतलब तो उसको बोलेंगे लोड्स, बड़ा लोड मतलब का उसमें बहुत ज़्यादा लोड है। इसलिए ऐसे याद रखिए कि बड़ा क्रैक है मतलब बहुत ज़्यादा लोड्स है और छोटा क्रैक्स है मतलब कि वेंस उसमें कम मिनरल्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेंस एंड लोड्स। अब क्या है बेड्स ऑफ लेयर, बेड्स और लेयर का मतलब क्या होता है, बेड का मतलब क्या होता है, बिस्तर होता है। तो वो किस तरह मिनरल्स लेयर्स में फाइंड होते हैं, इस तरह लेयर होता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, जो मैंने पहले बताया था आपको सेडिमेंट्री रॉक का कॉन्सेप्ट। तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, लेयर्स में फाइंड होता है मिनरल्स। तो इसमें भी वैसा ही है कि सेडिमेंट्री रॉक के में बहुत सारा मिनरल्स जो होता है ना वो आपको लेयर में फाइंड होता है। वही बताना चाह रहा है कि बहुत सारा रॉक, बहुत सारा मिनरल्स ना लेयर्स में फॉर्म होता है, मतलब लेयर्स में वो मिनरल्स ना फाउंड होता है और फॉर्म भी उसी फॉर्म में होता है, मतलब जब वो बनता है तो उस समय ना वो उसका क्या होता है कि एग्जाम्पल्स के तौर पर हो गया आपको कोल, आयरन ओर, जिप्सम, पोटास, सोडियम, ये सब क्या है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ना लेयर्स में फाइंड होता है। तो जो जब वो बनता है उसमें ह्यूज प्रेशर आता है, टेम्परेचर आता है, तो उस फॉर्म में ना वो दब के लेयर्स के फॉर्म में फॉर्म हो जाता है और बहुत सारे मिनरल्स बनता है। फिर क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ द सर्फेस रॉक, कुछ सर्फेस मतलब कुछ रॉक के सर्फेस पे भी मिनरल्स आके कहीं कहीं से ना डिपोजिट होता है और वो एक तरह से मतलब फिक्स हो जाता है। तो वही बताना चाह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ए सर्फेस रॉक, तो इसमें क्या होता है कि वेन द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सर्फेस रॉक अकर विद द रिमूवल सॉल्युबल कंस्टिट्यूट्स रिड्यूस मास, मतलब क्या होता है जब कंपोजिशंस मतलब बहुत सारा मिनरल्स आके किसी रॉक पे मान लीजिए आके बैठ गया, मतलब कहीं से आके उस पे आके सेटल हो गया, तो जो मिनरल्स बहने वाला होगा मतलब जो सॉल्युबल होगा वो तो बह के कहीं ना कहीं चल जाएगा, लेकिन कुछ मटेरियल्स कुछ मिनरल्स उस पे आके बैठ जाएगा जो स्टिक हो जाएगा। तो वो जब धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा तो उसमें आपको मिनरल्स फॉर्म हो जाएगा, मतलब वही मिनरल्स ही रहेगा वो हार्ड हो जाएगा। तो वही बोला कि सरफेस लेयर पे मिनरल्स का फॉर्मेशन होना। ऐसे कौन बनता है, बॉक्साइट बनता है, बॉक्साइट इस तरह से ही बनता है, ठीक है। एलुवियल डिपॉजिट जो पहले बताया थे कि एलुवियल सॉइल में या एलुवियल में भी बहुत सारा मिनरल आके डिपॉजिट होता है, जैसे कि ये जनरली फाइंड होता है आपको सैंडी एरिया में, वैली वैली में, वैली का फ्लोर जो होता है मतलब जैसे कि घाटी उसको हम लोग बोलते हैं, या बेस ऑफ द हिल्स, हिल्स के बेस पे, जैसे कि हिल्स मान लीजिए ऐसे बना है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको मिनरल्स होगा क्योंकि जब मिनरल्स बहते बहते आके कहीं ना कहीं सेटल होता है, ठीक है। इसमें क्या फाइंड होता है एलुवियल में, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनियम, इसमें इस तरह का मटेरियल फाइंड होता है। ये जनरली एग्जाम में शायद पूछ सकता है, ऐसे ऐसे जनरली तो आता नहीं है कि कौन सा मिनरल्स ना किस में फाइंड होता है, कौन सा मिनरल एलुवियल में फाइंड होता है, एलुवियल डिपॉजिट में, कौन सा सेडिमेंट्री रॉक में, इस तरह से। ओशियन वाटर में तो पता ही है कि बहुत सारे मिनरल्स फाइंड होता है क्योंकि ओशियन का जो बेड है नीचे पूरा का पूरा उसमें मिनरल्स ही फाइंड होता है। तो वही बताया जा रहा है कि इसमें वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स है जो इकोनॉमिकल अभी फिजिबल नहीं हो पा रहा है, लोग अंदर मतलब जा नहीं पाते उतना, मतलब जाते भी तो उतना एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा है क्योंकि अंदर पानी का ह्यूज प्रेशर होता है। तो अब इस पर काम चल रहा है, डीप ओशियन प्रोजेक्ट चल रहा है, जो इंडिया भी इसमें हिस्सा है और भी बहुत सारा कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर पाए। जैसे मैंने बताया था मैगनीज नूडल्स, फिर आपको और भी बहुत तरह का जैसे कि ब्रोमीन और भी
बहुत तरह का इसमें फाइंड होता है मिनरल्स। तो यही बता रहा है कि अकरेंस ऑफ जो मिनरल्स होता है वो किस फॉर्म में होता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। बस इसमें यही बताया गया है कि मिनरल्स कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में डिपॉजिट है, या तो एलुवियल सॉइल के फॉर्म में, मतलब एलुवियल डिपॉजिट्स है, या रॉक के ऊपर है, या आपको फ्लोर पे है, ओशियन फ्लोर पे है, या आपको सेडिमेंट्री रॉक हो गया, या आपको फिर वेन्स एंड लोड में है, कहाँ कहाँ मिनरल्स मेरा डिपॉजिट है, कहाँ कहाँ मेरा मिनरल्स फाइंड हो रहा है। इसी में क्या है कि एक होता है जियोलॉजिस्ट जो अर्थ के अंदर के बारे में पढ़ता है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर के बारे में पढ़ता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर के बारे में पढ़ता है, उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट जो होता है वही ना अलग अलग करता है कि कौन कौन सा मिनरल्स कैसा होगा, तो वही क्लासिफाई करता है मिनरल्स को ऑन द बेसिस ऑफ क्या उसका हार्डनेस है, क्या उसका क्रिस्टल फॉर्म है, क्या उसका लस्टर है, क्या उसका डेंसिटी है, और क्या उसका कलर और उसका क्या रेंज है, उस आधार पर इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। रॉक भी वही चीज़, रॉक भी क्या है, तरह का मिनरल ही बोलेंगे ना, इट इज़ अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस इन अर्थ क्रस्ट, तो है ना, उसका कुछ उसका अपना केमिकल कंपोजिशन है। तो जनरली आपको इग्नियस रॉक हो गया, मेटाफॉर्मिक रॉक हो गया, ये सब रॉक के अंदर आपको फाइंड होता है मिनरल्स, ठीक है। तो इसी को बताया जा रहा है कि अकरेंस ऑफ मिनरल्स की कैसे कैसे मिनरल्स मेरा अकरेंस होता है, फिर ये धीरे सोलिडिफाई होता है। तो बस कुछ नहीं है, बस ये प्रोसेस है कि कहाँ कहाँ मिनरल्स मेरा अकरेंस हुआ और कैसे कैसे मेरा मिनरल्स का फॉर्मेशन हुआ। अगला क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। अब स्पेशली हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के बारे में ही जानेंगे कि कहाँ कहाँ मिनरल्स जनरली फाइंड होता है। ऐसे इंडिया तो रिच है फ्लोरा में, फौना में, मिनरल्स भी इंडिया में बहुत ह्यूज मात्रा में फाइंड होता है, मतलब इंडिया में मिनरल्स भी फाइंड होता है अच्छा मात्रा में। स्पेशली झारखंड में तो पता ही है आपको कि कोल है, कोल बेल्ट है, फिर कॉपर भी, मतलब इस तरह से बहुत सारा चीज़ माइका है जो फाइंड होता है। तो इंडिया जो है मतलब फॉर्चुनेट है कि बहुत सारे इसके पास मिनरल रिसोर्सेज है। देखिए पेनेसुलर प्लेट्यू में जो पेनेसुलर रॉक है उसमें आपको बहुत सारा कोल रिजर्व है, बहुत सारा मेटेलिक मिनरल है, माइका है, और बहुत सारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए मेटेलिक्स मिनरल मतलब जिसमें मेटल होगा, और नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल नहीं होगा। जैसे कि मेटल का मतलब जैसे हो गया आपको आयरन, उसमें क्या मेटेलिक पार्ट है, फिर आपको हो गया पोटास, तो ये सब क्या है नॉन मेटेलिक है, जिप्सम उसमें मेटेलिक नहीं है लेकिन है कहने का ही आपको मिनरल है। तो वही बता रहा कौन मेटेलिक्स मिनरल है, कौन नॉन मेटेलिक मिनरल है, और भाई और ये कहाँ कहाँ फाइंड होता है। तो मैंने तो बताया कि जो पेनिनसुलर एरिया है उधर फाइंड होगा उस एरिया में कोल, और ये गुजरात और असम में क्या फाइंड होता है, वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक है, वो जो एरिया बना हुआ है वो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, मतलब उस टाइप के लेयर बाय लेयर से बेड के फॉर्मेशन से, इसीलिए उस एरिया में क्या होगा आपको पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा होगा डिपॉजिट्स, फिर आपको गुजरात एरिया में, असम एरिया में, फिर आपको बहुत सारा रिजर्व होगा वहाँ पे। राजस्थान में क्या है नॉन फेरस मिनरल्स, जो मतलब फेरस का मतलब जो उसमें आयरन का मात्रा कम होगा, मतलब आयरन उसमें नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉन फेरस मिनरल। एक होता है फेरस, एफ ई का मतलब होता है आयरन, ठीक है, एफ ई मतलब होता है फेरस मतलब आयरन, और नॉन फेरस का मतलब होता है आयरन नहीं। तो कहाँ कहाँ मेरा नॉन आयरन है, कहाँ कहाँ मेरा वो फेरस मटेरियल नहीं है, तो वही बता रहा है कि वो राजस्थान में क्या है नॉन फेरस मिनरल फाइंड होता है। नॉर्थन प्लेन्स में क्या क्या होगा कि द वास्ट एलुवियल प्लेन्स है, तो वहाँ पे इकोनॉमिकल वाइवल है, तो वहाँ भी बहुत सारा आपको मिनरल्स फाइंड होता है, ठीक है। तो ये वही बता रहा है कि ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वही करते हैं है इसका क्लासिफिकेशन, कि उसका स्ट्रक्चर प्रोसेस के आधार पे, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, फिजिकल स्ट्रक्चर है, प्रेशर टेम्परेचर, कि कैसा मिनरल बनाया है और वहाँ पे कितना मिनरल्स फाइंड होगा, वहाँ पे मिनरल्स का क्वालिटी क्या होगा और उसका क्वांटिटी कितना होगा। तो वही बताया जा रहा है कि किस तरह से मेरा मिनरल का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इंडिया में। अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, व्हाट इज माइनिंग। माइनिंग क्या होता है, माइनिंग मतलब तो कोई चीज अर्थ क्रस्ट से निकाल लेना, गड्ढा कोड़ के कोई चीज अंदर से निकाल लेना, सिंपल भाषा में यही होता माइनिंग, कि अंदर में गए खोदे और वहां से कोयला निकालिए। लेकिन इतना आसान होता नहीं, मतलब एक सिंपल से टर्म में बता रहे हैं कि माइनिंग क्या है कि माइनिंग एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जहां से पैसा आता है, और वो प्रोसेस है कि है उसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं मिनरल फ्रॉम अर्थ। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, हम लोग मिनरल्स को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या माइनिंग, ठीक है। तो ये क्या इकोनॉमिकल एक्टिविटी, मैंने पहले बताया ये एक तरह का इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, उसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं मिनरल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट से, लेकिन जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन ओर, पहले ही बताया था कि उसमें जो मिनरल निकालता है ना उसमें बहुत ज़्यादा ओर होता है, कंसंट्रेशन जो होता है ओर का ज़्यादा होता है, उसका फिर अलग करते हैं, रिफाइन करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, और लास्ट में हम लोग के पास मिनरल्स बचता है, उसके बाद हम लोग उसको मार्केट प्लेस में उसको जाके बेचते हैं या उसको यूटिलाइज करते हैं उस फॉर्म में।
जैसा आपको डिमांड और सप्लाई है, तो वही बता रहा है कि ये फर्क पड़ता है मिनरल किस तरह डिपॉजिट है, क्या उसका रिजर्व, मतलब वो अगर मिनरल कहीं ना कहीं डिपॉजिट है तो उसको हम बोल ऐसे बोल देते हैं डिपॉजिट और रिजर्व, मतलब कहीं ना कहीं है तो उसको बोलते हैं ना इतना मेरे पास रिजर्व में है, मतलब इतना मिनरल्स मेरे पास है, तो वही माइनिंग है। इससे पहले थोड़ा पहले एक चीज़ है कि माइनिंग कितना तरह का होता है। एक होता है ओपन पिट माइनिंग, एक ओपन पिट माइनिंग मतलब एक बड़ा सा गड्ढा होगा वहाँ पर इस तरह से हो रहा है और उसके अंदर लोग जा रहे हैं और माइनिंग करके उससे आपको सामान निकालना, जो भी एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी आपको मिनरल्स वहाँ से निकालना, उसको बोलते हैं ओपन पिट माइनिंग। ये नाम से ही क्लियर है, ये जनरली आयरन ओर ऐसे निकलता है, आयरन जब होता है तो वो ऐसे निकलता है। एक होता है क्वेरिंग, क्वेरिंग क्या होता है, क्वेरिंग का मतलब क्या होता है, क्वेरिंग मतलब बहुत अर्थ क्रस्ट के अंदर जाते हैं, सेलो सेलो का मतलब होता है अंदर जाना, ताकि हम लोग उससे हम लोग मिनरल्स निकाल पाए। जैसे कि ये जनरली होता है बिल्डिंग मटेरियल्स, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन जब हम लोग ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो बहुत अंदर जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एक्वायरिंग। देखिए ये होता है स्पेलिंग इसका QUARRING, ये होता है क्वेरिंग। क्वेरिंग का मतलब क्या होता है, क्वेरिंग एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बहुत अंदर जाके। फिर एक होता है सेफ्ट माइनिंग, सेफ्ट माइनिंग भी एक तरह का माइनिंग है जिसमें और अंदर जाते हैं, मतलब वो एक तरह से हम लोग टनल्स बनाते हैं इस तरह से, देखिए सुरंग बनाते हैं, उसमें हम लोग जाके मिनरल्स को निकालते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया। और एक होता है ड्रिल करना, जैसे हम लोग बोरिंग करते हैं ना पानी आता है, तो उस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ ड्रिल करते हैं उससे मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सब क्या है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, उसको कैसे निकालेंगे, ड्रिल करके, पेट्रोलियम गैस करके। तो ये क्या है, एक तरह से मेरा मेथड है ड्रिलिंग करने का जहाँ पे हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सब मैंने क्या बताया कि कौन कौन सा मेथड से हम लोग माइनिंग करते हैं, तो जैसे ओपन ओपन पिट माइनिंग हो गया, सेफ्ट माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया। तो हर तरह का माइनिंग होता है और हर तरह का माइनिंग अलग अलग मिनरल्स को निकालने के लिए होता है, जैसे कहीं कोल निकाला है, कहीं पेट्रोल निकाला है, तो वहाँ पे आप एक तरह का माइनिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए वहाँ पे अलग अलग मेथड ऑफ माइनिंग होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ड्रिलिंग है वहाँ पे, इसमें पेट्रोल पास होगा, कोल पास होगा, सॉरी गैस पास होगा, तो उस तरह का मेथड से हम लोग माइनिंग करके मिनरल जो भी मिनरल्स उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब अगला क्या है, अगला है कि हु ओन्स मिनरल, आखिरकार मिनरल किसका है। ठीक है नेचुरली अकर हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि नेचुरली अकर हो रहा है, वो अपने आप तो बन रहा है अर्थ क्रस्ट के अंदर, लेकिन इसका मालिक कौन है। एक्चुअली अगर बोलेंगे तो इसका पूरा का पूरा मालिक होता है सरकार, गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट किसी प्राइवेट को दे दिया है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्राइवेट है, जैसे वेदांता कंपनी है कि हाँ आप यहाँ से कॉपर निकालिए और यहाँ से आप जिंक निकालिए, लेकिन उसको सरकार को कुछ उसको देना पड़ता है पैसा उसको जो भी होता है। तो यही होता है कि हु ओन्स मिनरल, तो बेसिकली जो मिनरल्स होता है वो नेशनलाइज हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि हाँ ये मेरा है, जैसे कि कोल का खदान हो गया या कोल का जो माइनिंग होता है वो किसी एक आदमी का है कि यहाँ पे मेरा है, वहाँ आपका है, जिस तरह घर होता उस तरह था। लेकिन 1900 उस समय जब 91 के करीब जब इंदिरा गांधी की सरकार था, उस समय ही उसी के करीब में, एग्जैक्ट नहीं पता है, नेशनलाइज हुआ। जब नेशनलाइज हुआ जब ये मिनरल्स का, तो उस समय क्या, सॉरी माइनिंग का, तो उस समय क्या हो गया कि ये सारा चीज़ें सरकार के अंदर आ गया, जैसे कोल इंडिया जो अभी है, तो ये सब कुछ ना सरकार के अंदर आ गया। जब ये सरकार के अंदर आया तो, लेकिन जो भी मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है वो गवर्नमेंट के परमिशन के बिना नहीं होगा, उसको एज अ गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तभी जाके वो मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट तो खुद कर ही सकता है एज अ गवर्नमेंट जो बॉडी है, जैसे कोल इंडिया हो गया, लेकिन अगर किसी प्राइवेट कंपनी को करना है कोल का एक्सट्रैक्शन या कोई भी चीज़ का मिनरल्स का, तो उस टाइम पे ना उसको एक परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके वो मिनरल का एक्सट्रैक्शन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल में है कि बहुत सारा, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरिया में, नॉर्थ ईस्ट साइड में इंडिया जो है, जो वहाँ पे इंडिविजुअल करता था माइनिंग, मतलब अभी भी है कहीं ना कहीं कि इंडिविजुअल जैसे है, कम्युनिटी जो है इंडिविजुअल होता है। मेघालय में जैसे कि रिच डिपॉजिट ऑफ कोल है, ओर है, लाइम स्टोन है, जो डोलामाइट है, वहाँ पे कुछ आदिवासी ट्राइब्स है जो कुछ मिल के करते हैं कि हाँ 5-6 ट्राइब्स हैं वहाँ मिल के, हाँ कि ये कम्युनिटी जो है इस मिनरल्स का मालिक है, मतलब वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये भी ऐसा ऐसा इसमें एक्ट था। तो यही है कि हु ओन्स मिनरल, तो मिनरल आखिरकार किसका है। इसी में था रेट हॉल माइनिंग, मैंने पहले बताया था कि रेट हॉल माइनिंग का मतलब क्या होता है, जिसकी चूहा का बिल होता है ना, जैसे कि चूहा बिल बनाता है ऐसे ऐसे करके, तो उस तरह से लोग बिल बना के करता है माइनिंग, लेकिन ये एक तरह का चोरी होता है रेट हॉल माइनिंग, मतलब ये बेसिकली होता था कोल को निकालने के लिए, जैसे कोल माइनिंग होता था जुआई एंड चेरापूंजी एरिया में, ये फैमिली मेंबर करते थे, जैसे कि कहीं सरकार कोल माइनिंग कर
कर रहा है, कहीं से कोल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो ये लोग भी जाके चोरी छुपे इस तरह से रैट होल करके, मतलब जिस तरह से चूहा माइनिंग करता है, मतलब जिस तरह से चूहा का अपना ये बनाता है, बिल बनाता है, उस तरह से ये लोग बिल बना के इस तरह से जाके इसमें अंदर अंदर जाके कोल का एक्सट्रैक्शन करेंगे या कोल का चोरी करते हैं। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं रैट होल माइनिंग, और ये बेसिकली ना एक तरह से चोरी बोल सकते हैं। तो इस तरह से होता था इसको, है ना। ये देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो किस तरह मिनरल्स को बांटा गया है, तो मिनरल्स को बांटा गया है, मेटालिक्स मिनरल है, नॉन मेटालिक्स मिनरल है, और एनर्जी मिनरल्स है। तो मेटालिक्स मिनरल का मतलब ये हो गया जो मेटल की बात कर रहा है, जिसकी फेरस, मतलब जो इसमें आयरन हो, कंटेंट आयरन, जैसे आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, और कोबाल्ट हो गया। फेरस मतलब Fe, मतलब जिसमें आयरन का मात्रा हो। अगला क्या है, मेटालिक, जो मेटालिक हो लेकिन फेरस नहीं, मतलब वो उसमें आयरन का मात्रा नहीं है, नॉन फेरस, जैसे कि लीड हो गया, कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, उसमें आयरन का मात्रा नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉन फेरस। और एक होता है प्रीसियस आइटम, जो बहुत कॉस्टली, जो बहुत महंगा, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या प्रीसियस मिनरल्स है, लेकिन है मिनरल्स, इसको हम लोग रखते हैं मेटालिक के रूप में, मतलब जो मेटालिक के फॉर्म में। अगला है नॉन मेटालिक, जो मेटालिक नहीं, जैसे कि माइका हो गया, सॉल्ट हो गया, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब क्या नॉन मेटालिक, मतलब जो मेटालिक के रूप में नहीं, जिसमें मेटल का कोई अंश ही नहीं है, आयरन से मतलब नहीं, इसमें मेटालिक का कोई अंश ही नहीं। अगला है एनर्जी रिसोर्स, मतलब एनर्जी मिनरल, जैसे कि कोल से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, उससे हम लोग का थर्मल पावर प्लांट रन करता है, या डोमेस्टिक में खाना बनाते हैं, मतलब बहुत सारा उसका यूज है कोल का। फिर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मेरा एनर्जी मिनरल्स है, इस तरह से इसको बांटा गया। अगला देखिए क्या साइड, वही साइड है, बस उसी को बताया जा रहा है कि मिनरल्स है उसमें मेटालिक्स है, नॉन मेटालिक्स है, एनर्जी मिनरल्स है, कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी, फेरस है, नॉन फेरस है, और प्रीसियस है, बस उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला क्या है, मेटालिक्स मिनरल क्या होता है, देखिए मेटालिक्स का मतलब कि जो जिसमें फेरस कंटेंट करता है, फेरस का मतलब होता है, फेरस कंटेंट का मतलब होता है जिसमें आपको फेरस का मतलब हो गया सिंपल सा भाषा में, जिसमें आयरन हो, जो पहले बताया, जो कंटेंट आयरन होता है, जैसे कि एग्जांपल पे होता है आयरन, मैग्नीज और निकल। नॉन फेरस का मतलब होता है जिसमें आयरन नहीं हो, जैसे कि कॉपर, लीड, टीन, और प्रीसियस का मतलब जो पहले बता दिए कि जो नेचुरली अकर है, जो बहुत हाई इसका इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। और नॉन मेटालिक मिनरल का मतलब जो मेटालिक नहीं है, जो रिफ्लेक्शन नहीं करता है, जो डल लुकिंग है, मतलब जो उसमें कोई भी मेटालिक पार्ट नहीं, जैसे कि साल्ट हो गया, माइका हो गया, पोटास हो गया, लाइमस्टोन हो गया, और मार्बल हो गया, ग्रेनाइट। अगला क्या, फेरस मिनरल, मतलब जो बना जिसमें आयरन हो, फेरस। तो मेटालिक मिनरल्स आयरन कंटेंट हो, उसको बोलते हैं फेरस, जैसे कि तो क्लियर ही हो गया, आयरन और मैग्नीज है, जो उसमें फेरस की मात्रा हो, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कहीं ना कहीं क्या है ना कि देखिए 3/4 जो टोटल जो इंडस्ट्रीज है ना, वो कहीं ना कहीं मेरा मेटालिक बेस्ड इंडस्ट्री, फेरस बेस्ड इंडस्ट्री है, जो आयरन कंटेंट करता ही करता है, उसको बोलते हैं मेटालिक मिनरल, है ना। इसको और ये स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या, ये मेटालिक मिनरल जो है, फेरस मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बोलते हैं बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री रहेगा तभी ना वो कुछ बनाएगा, तो वो मेरा देश का घर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम होगा, रोड बनाने के लिए, रेलवे का ट्रैक बनाने के लिए, तो मतलब आयरन और स्टील इंडस्ट्री का बैकबोन होता है किसी कंट्री का, किसी देश का, क्योंकि जो उससे जो भी मैन्युफैक्चर होगा, रॉ मटेरियल जो भी आएगा उससे बन के फिर वो कहीं ना कहीं मेरा इस्तेमाल हो हर चीज़ में, क्योंकि इस देश में आयरन का इस्तेमाल तो हर जगह होता है ना, इसलिए बोलते हैं इसको बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री है। तो वही बताना चाह रहा है कि 3/4 वैल्यू मतलब इसका है, मतलब इसका योगदान है, यूज हो रहा है 3/4 इसका एज अ डेवलपमेंट में। अब आगे आयरन ओर क्या होता है, आयरन ओर क्या है, ओर का मतलब वही हुआ जिसमें जिसमें बहुत सारा गंदगी पार्टिकल्स मिला हुआ है। तो ओर क्या होता है, आयरन ओर बेसिक मिनरल्स एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, बोले ना आयरन ओर ही लास्ट में बनता है आयरन, तो वो मेरा बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री है, और ये बहुत ज़्यादा रिच क्वालिटी होता है, मतलब इंडिया में जो है ना बहुत रिच क्वालिटी में फाइंड होता है आयरन ओर्स का, स्पेशली इंडिया में ना बहुत रिच क्वालिटी आयरन ओर्स फाइंड होता है। इसका दो पार्ट है, मेगाटाइट और हेमाटाइट, ये क्वालिटी ऑफ आयरन होता है, जो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन होता है उसमें जो मैक्सिमम आयरन मिलता है, जैसे कि आयरन ओर से जब मैक्सिमम हमको आयरन मिल गया ना, उसको बोलते हैं मेगाटाइट, उसमें 70% आयरन रहता है, और ये इसमें एक्सेलेंट क्वालिटी है, इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना बहुत अच्छा होता है इसका, और ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, और भी बहुत सारा इंडस्ट्री में यूज होता है। हेमाटाइट क्या होता है, इसका क्वांटिटी थोड़ा सा खराब होता है, इसमें आयरन ना 50-60% ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है कंपेयर टू मेगाटाइट। और आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन है,
उड़ीसा झारखंड बेल्ट है जहाँ पे मैक्सिमम आयरन फाइंड होता है ना। तो ये अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा आयरन जो ओर है, जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है या प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया है, वो देखो, वो देखिए कौन कौन सा है। तो पहला है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, यहाँ पे मैक्सिमम आयरन बेल्ट है। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट में क्या होता है, यहाँ पे हाई ग्रेड हेमाटाइट फाइंड होता है। हाई ग्रेड हेमाटाइट का मतलब जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ मेरा आयरन है वो तो मेरा मेगाटाइट होता है, लेकिन हेमाटाइट भी फाइंड होता है, वो भी बोझ में इस्तेमाल होता है। तो वो फाइंड होता है कहाँ पे, बादमापार माइंस में, मयूरभंज, फिर केंदुझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। ये कहाँ फाइंड होता है, उड़ीसा में फाइंड होता है। और एक होता है नवामुंडी माइंस सिंहभूम झारखंड में। ये दो जगह जो है ना मेरा बेसिकली क्या है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट है जहाँ पे आयरन ओर फाइंड फाइंड होता है। एक होता है आपको नवामुंडी एरिया जो है जो झारखंड में आता है सिंहभूम एरिया में, और एक मेरा आपको उड़ीसा में आता है जो केंदाझूर जो बोलते हैं वहाँ फाइंड होता है उड़ीसा में। तो ये क्या है, मेरा बेल्ट है, आयरन ओर का बेल्ट है। अगला देखिए क्या है, ये सब मेजर आयरन बेल्ट है, जैसे कि दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुरा, चंद्रपुर बेल्ट। ये क्या, ये छत्तीसगढ़ में फाइंड होता है और आपको महाराष्ट्र एरिया में। यहाँ पे जैसे कि बेल्ला डीला हिल्स जो बस्तर में है छत्तीसगढ़ में, वहाँ फाइंड होता है। ये लुक लाइक हम्प ऑफ एन ऑक्स, ये ऐसा दिखता है आपको, ये ऐसा दिखता है इसलिए इसका नाम ऐसा है। और यहाँ पे हाई ग्रेड हेमाटाइट फाइंड होता है, हेमाटाइट आयरन फाइंड होता है जो हिल्स में फाइंड होता है, बेलाडीला हिल्स में फाइंड होता है। और इसका प्रॉपर्टी ये कि स्टील बनाने में ये काम होता है, ये भी एक तरह से अच्छा ही क्वालिटी ऑफ आयरन होता है। हेमाटाइट जो होता है वो भी अच्छा क्वालिटी ऑफ आयरन वहाँ फाइंड होता है, ठीक है। और आयरन ओर फ्रॉम दिस, मतलब यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता कहाँ, जापान में, साउथ कोरिया में, मतलब विशाखापट्टनम पोर्ट की हेल्प से यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत अच्छा क्वालिटी होता है आयरन मेकिंग में, इसीलिए इसको एक्सपोर्ट करते हैं। फिर आपको आता है बालारी, चित्रदुर्गा, चिकम गलरू, तकुमो बेल्ट। ये सब क्या बेल्ट का नाम है, ये साउथ साइड का बेल्ट है जो कर्नाटक में फाइंड होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन रिजर्व बेल्ट है, ओर है। कुंद्रा इन कंद्रा रीजन, हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स जो कर्नाटक में है, वो हॉर्स की तरह दिखता है। तो ये सब बता रहा हूँ उसके फीचर्स की, कहाँ कहाँ कैसा कैसा दिखता है। और ये सब बेल्ट है जहाँ पे मेरा आयरन ओर फाइंड होता है मैक्सिमम में, तो इस तरह के एरिया में वेस्टर्न घाट्स में जहाँ पे 100% एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जहाँ पे वहाँ पे जो भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ना उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं 100%। तो वही बता रहा है कि कहाँ कहाँ से मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर एक है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, इसमें भी कहाँ फाइंड होता है, रत्नागिरी है आपको एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में वहाँ, फिर आपको गोवा में। यहाँ पे क्या होता है आयरन ओर फाइंड होता है और वहाँ से हम लोग हाई क्वालिटी ऑफ आयरन को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और अपने काम में भी यूज करते हैं। तो यही बता रहा है। और ये एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, मारमांगो पोर्ट्स, ये कहाँ पे, गोवा में। तो वही बता रहे कि कहाँ कहाँ से आयरन एक्सट्रैक्ट होता है, आयरन ओर कौन कौन सा मेरा मेजर बेल्ट से जहां जहां फाइंड होता है और वहां से लोग एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए ये बता रहा है उड़ीसा, उड़ीसा मतलब सॉरी, कि कहाँ कहाँ मेरा प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, कौन कौन सा स्टेट में मेरा आयरन ओर प्रोड्यूस होता है 2009 और 10 का ये डेटा है। झारखंड में 28%, फिर उड़ीसा 33%, पहला उड़ीसा हो गया, फिर कर्नाटक 11%, फिर छत्तीसगढ़, फिर अदर्स। तो ये मैक्सिमम जो बोलेंगे तो उड़ीसा और इंडिया में, सॉरी उड़ीसा और झारखंड में फाइंड होता है जो मैक्सिमम बोलेंगे, फिर छत्तीसगढ़ बेल्ट, यही तीनों बेल्ट में मैक्सिमम मेरा आयरन ओर मिलता है। अब मैग्नीज क्या, मैग्नीज भी आपको मेटेलिक मिनरल है। तो मैग्नीज का काम इतना इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीज ना आयरन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो जो हार्डनिंग करने में, उसका जो हार्ड करने में, और मैग्नीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एज अ मैग्नीज जो होता है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हेल्प करता है, और एन फेरो मैग्नीज अलाउ, वो अलाउ होता है, वो मिक्सचर बनता है। जैसे एग्जाम्पल, 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 किलो मैग्नीज हमको जरूर पड़ता है, ताकि वो मेरा आयरन का क्वालिटी और अच्छा हो सके और हार्ड हो सके। तो वही बता रहा है कि मैग्नीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है आयरन को बनाने में, एज ए मैग्नीज अलाउ। अलाउ मतलब क्या होता है, अलाउ मतलब वो कॉम्बिनेशन ऑफ ए मिनरल्स, उसमें दो तीन मिनरल्स को मिला के उसको बनाते हैं। जैसे कि आयरन क्या है एक तरह से, स्टील क्या है मेरा अलाउ है किसका, उसमें आपको निकल मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, आयरन मिलता है, फिर आपको और क्या मिलता है, फिर आपको मिलता है कार्बन। तो इस तरह से उसको मिला के ना हम लोग स्टील बनाते हैं, उसमें रस्ट नहीं लगता, वो अच्छा क्वालिटी में बनता है। तो वही होता है अलाउ, कि मिक्सचर ऑफ ए मिनरल्स और मिक्सचर ऑफ ए मेटल्स, जब उसमें मिला के उसको एक्युमुलेट करते हैं तो उसी को बोलते हैं अलाउ, ठीक है। और ये और कहाँ यूज होता है मैग्नीज, ब्लीचिंग पाउडर फैक्ट्री में, इंसेक्टिसाइड्स में, और पेंट बनाने में मेरा यूज होता है मैग्नीज। और अब देखिए मैग्नीज कहाँ कहाँ फाइंड होता है, सबसे ज्यादा फाइंड होता है आपको अदर स्टेट्स में, अदर का मतलब है पता नहीं कहाँ कहाँ, पूरे इंडिया में बात कर रहा, फिर मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, और ये कर्नाटक में। तो यहाँ यहाँ मैग्नीज फाइंड होता है,
ये बता रहा है आयरन ओर और मैग्नीज इंडिया में किस तरह से मेरा फैला हुआ है, ये बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर और मैग्नीज मेरा कैसे कैसे मेरा कहाँ कहाँ फाइंड होता है। देखिए ये सब बेल्ट एरिया है, आप देख सकते हैं इसमें ये कहाँ कहाँ फाइंड होता है, और ये आपका एनसीईआरटी में भी है। अगला क्या है, नॉन फेरस मिनरल। अब हम लोग पहले पढ़ते फेरस, अब हो गया नॉन फेरस, जिसमें आयरन का मात्रा नहीं होता। नॉन फेरस इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक, गोल्ड। दिस मिनरल प्ले वेरी वाइटल रोल इन मेटलर्जिकल प्रोसेस और इंजीनियरिंग। इस तरह का मिनरल्स भी बहुत इस्तेमाल होता है कॉपर में, जिस तरह की वायर बनाने में कॉपर का होता है वाइंडिंग, तो ये सब इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है बहुत ज्यादा, इंजीनियरिंग में यूज होता है बहुत ज्यादा, और आपको मेटलर्जी जो भी होता है प्रोसेस वहां यूज होता है। तो नॉन फेरस मतलब कि ये मेटालिक मिनरल है, मतलब इसमें मेटल्स है लेकिन इसमें आयरन का मात्रा नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन फेरस। कॉपर क्या है, कॉपर बेस्ट यूज होता है आपको किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट कंडक्टर है, मेलेबल है, डक्टाइल भी है, और इसका हम लोग करते हैं कॉपर वाइंडिंग होता है फैन में, एसी में, तो उस तरह से कॉपर का बहुत ज्यादा यूज होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल केबल्स में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये कहाँ फाइंड होता है, बालघाट माइंस एमपी में और खेतरी माइंस राजस्थान में। ये दो तरह के माइंस, मतलब दो वो माइंस है कॉपर का जहाँ से कॉपर मिलता है, ये कहाँ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब वहाँ भी फाइंड होता है, ये झारखंड में। ये सब क्या है, मेजर है जो आपको लीड प्रोड्यूस करता है, मतलब कॉपर और बॉक्साइट भी दोनों। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का क्या होता है, ओर होता है, एल्यूमिनियम का ओर, मतलब इन सेंस कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम को जैसे बोलते हैं ना, बॉक्साइट क्या है, ओर है, तो वही होता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। देखिए बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट जो बॉक्साइट भी क्या है, नॉन मेटालिक है, मतलब नॉन फेरस है, मतलब नॉन फेरस है, और बॉक्साइट डिपोजिट इन फॉर्म ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक रिच एल्यूमिनियम। ये जनरली एल्यूमिनियम सिलिकेट में फाइंड होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि एल्यूमिनियम का क्या ओर होता है, इसीलिए ना ये एल्यूमिनियम सिलिकेट में फाइंड होता है, और ये एल्यूमिनियम इज ऑब्टेंड फ्रॉम बॉक्साइट, मतलब एल्यूमिनियम जो है ना बॉक्साइट से ही ऑब्टेंड होता है। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एंड ग्रेट मेलेबिलिटी, मतलब ये बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है, और इसका मेलेबल मतलब ये बहुत ज्यादा सीट में, मतलब इसको हम लोग लंबा पीट पीट के इसको सीट में हम लोग बना सकती है, मेलेबल है। ठीक है, और डिपोजिट मेनली फाइंड इन अमरकंटक प्लेटू, माइकाला हिल्स प्लेटू ऑफ बिलासपुर कटनी, ये सब एरिया का नाम है जहां जहां मेरा फाइंड होता है। अब आगे नॉन मेटालिक, मैंने बताया था कि एक होता है मेटालिक, नॉन मेटालिक का मतलब उसमें मेटालिक होगा ही नहीं, उसमें आयरन तो खैर नहीं होगा, वो मेटालिक भी नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपको, जैसे कि ये बता रहा माइका मिनरल्स, जैसे कि माइका हो गया, इट कैन बी क्लियर ब्लैक ग्रीन, ये माइका बता रहा है कि माइका कौन कौन सा कलर का होता है, ब्लैक ग्रीन रेड येलो ब्राउन होता है। माइका इज अ मोस्ट इंडेसिबल मिनरल्स, ये भी यूज होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली जब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाते हैं तो माइका यूज होता है। इसका हाई क्वालिटी होता है स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो बोथ डाई मतलब बोथ एज ए बिहेव कर, एज ए मेटालिक और नॉन मेटालिक, ये बहुत यूजफुल है डाइलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में, सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, एज अ लॉस ऑफ पावर फैक्टर, मतलब उसको मेंटेन करने में, लो पावर फैक्टर को, लो पावर एंड लॉस फैक्टर मेंटेन करता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है, मतलब ये एज अ इंसुलेटर यूज होता है, मतलब बहुत अच्छा इंसुलेटर है, इसको इससे लगाने से करंट नहीं लगता है, और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है हाई वोल्टेज में, एंड रेजिस्टेंस तो है मतलब ये हाई वोल्टेज को रेजिस्ट करता है, एज अ मतलब इट इज वर्क एज अ बेस्ट रेजिस्टेंस, ये आपको बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एज ए मतलब एज ए यूज होता है, और इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, और ये इसका लॉस भी कम है और पावर फैक्टर भी इसका अच्छा होता है। तो ये जनरली कहाँ फाइंड होता है, माइका फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में ही फाइंड होता है। ये रॉक मिनरल्स क्या होता है, जैसे रॉक मिनरल्स मतलब रॉक भी बहुत तरह का मिनरल्स, मैंने बताया ना रॉक खुद में एक मिनरल है, जैसे लाइमस्टोन के आजकल रॉक है लेकिन उसमें हम लोग यूज करते हैं वाइट वाशिंग में, प्लास्टर ऑफ पैरिस से पेंट करते हैं घर को, मतलब घर को पुट्टी करते हैं। तो वही बता रॉक मिनरल्स क्या होता है, लाइमस्टोन इज फाउंड इन रॉक कंपोज विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम मैग्नीज। ऑब्वियस है कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नेट होगा, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीज कार्बोन होगा, उसमें क्या होता है, ये सब क्या है, इससे एक तरह का मेरा रॉक मटेरियल है, वो एक तरह का रॉक ही होता है, उसमें मेरा मिनरल्स होता है, उसको हम लोग ऐसा यूज करते हैं। जैसे कि ये बेसिक रॉ मटेरियल है, लाइमस्टोन जो है घर के लिए तो यूज होता ही है एज अ वाइट वाशिंग, एज अ पुट्टी के लिए, साथ में ये यूज होता है ब्लास्ट फर्नेस में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। तो वही बता रहा है कि कहाँ का इसका यूजेस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट माइनिंग पढ़ते पढ़ते आगे इसके पीछे क्या क्या डेंजर होता है माइनिंग करते वक्त में, किस तरह इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है और कैसे इसको हम लोग बचाएंगे। तो डेंजर्स क्या है, इसमें रिस्क है कि माइनिंग मेरा कहीं ना कहीं मेरा जो हम लोग माइनिंग कर रहे हैं वो अचानक
कोलैप्स कर गया तो पूरा का पूरा लोग का डेथ हो जाएगा, या फिर माइनिंग में पानी आ गया अचानक, माइनिंग करते करते कहीं से पानी आ गया तो पूरा पूरा माइन भर जाएगा, या माइन में अर्थक्वेक आ गया, या मेरा माइन कोलैप्स कर गया, तो इससे क्या होता है बहुत सारा जान चला जाता है। कहीं से मान लीजिए फ्लड आ गया माइंस में, या कुछ ऐसा होता है कि बहुत बार धमकी देने लगता है, जो जो बहुत आसपास के जो होते हैं ना बड़ा बड़ा गुंडा टाइप का जो बोलते हैं, तो वो जो कि माइनिंग में जाके घुस जाते हैं, लोग को मार देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा इसमें रिक्स होता है, बहुत सारा पॉइजनस गैस है, डस्ट है, फ्यूम्स है, जो लोग इनहेल कर लेते हैं, उससे बहुत तरह का चेस्ट में या लंग्स में बहुत तरह का मेरा इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत तरह का डिजीज हो जाता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी डिजीजेस। तो इस तरह का उसमें मेरा रिक्स है। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होगा माइनिंग का? ऑब्वियस है, हर चीज़ का इफेक्ट है, कि पहले ही बताए थे जब माइनिंग होता है तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा को हम लोग काट देते हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन होता है। जब पेड़ पौधा को काटेंगे तो उससे मेरा इकोलॉजिकल अनबैलेंस होगा, अर्थ का इनबैलेंस होगा, उससे मेरा ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो वही बता रहे कि इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, मेरा वाटर में जाके कंटेमिनेट हो जाता है मिनरल्स, तो उससे मेरा वाटर का क्वालिटी खराब हो जाता है, जैसे कि आर्सेनिक मिल गया तो फ्लोराइड मिल गया, इस तरह से मेरा वाटर का क्वालिटी खराब हो जा रहा है। फिर बहुत सारा उसमें वेस्ट मटेरियल जो है ना, जो आपस में जाके मिल जा रहा है, लैंड को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, सॉइल को भी कहीं ना कहीं डिग्रेड करता है, वाटर बॉडीज मेरा खराब हो रहा है, जाके इसमें वाटर बॉडीज में कंटेमिनेट हो जा रहा है, तो वहाँ का जो मैरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वहाँ का एक्वेटिक लाइफ भी हैम्पर हो रहा है, खराब हो रहा है, सॉइल भी खराब हो रहा है, इस तरह से मेरा पोल्यूशन भी मेरा कहीं ना कहीं मेरा बढ़ रहा है रिवर्स में, और मेरा जो भी मतलब पानी का सोर्स है जहाँ पे। अब कौन कौन से स्टेप उठाएंगे माइनिंग का? तो सबसे पहला हम लोग हर जगह ही पढ़ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हम लोग ऐसा यूज करना है रिसोर्सेज को ताकि मेरा आने वाला जो पीढ़ी है, जो मेरा जनरेशन है, वो यूज कर पाए, मतलब कि वी शुड यूज द रिसोर्सेज इन सच अ वे डेट फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन कैन ऑल्सो यूज। हमको उतना ही यूज करना रिसोर्स कि हमको जितना जरूरत है, एज ए ग्रीड नहीं होना है। ये महात्मा गांधी का लाइन है कि हमको नीड के लिए है, जरूरत के लिए सबके लिए, लेकिन जब हम लोग ग्रीड करेंगे ना तो हमारे लिए नहीं है। हमको लालची नहीं बनना है कि हमको सब बेच के पैसा कमाना है, हमको उतना ही यूज करना है जितना हमारे लिए जरूरत है। तो क्योंकि ये कंजर्वेशन इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पहला तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ये जल्दी रिन्यूएबल मतलब ये रिन्यूड होगा ही नहीं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगता है इसको बनने में, और ये बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, जियोलॉजिकल पीरियड मिलियंस ऑफ ईयर लगता है इसको फॉर्मेशन होने में। अगला क्या है, ये मतलब नॉन रिन्यूएबल है, ये फिर से आपको रिन्यू नहीं होगा, ठीक है, और ये बहुत कम मात्रा में है, धीरे धीरे इसका मात्रा कम होती जा रहा है, तो इसीलिए इसका कंजप्शन को अच्छे से करना है ताकि मेरा फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए, इसलिए बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक टाइम पैसा आएगा कि सारा रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा, सारा मिनरल्स खत्म हो जाएगा, हमारे लिए बचेगा ही नहीं, हमारे लिए ही नहीं बचेगा तो हम फ्यूचर के लिए कहाँ से सेव कर पाएंगे। इसीलिए हमको वाइज तरीका से और जुडिशियस मतलब अच्छे तरीका से यूज करना पड़ेगा ताकि मेरा फ्यूचर में भी बच पाए, उसको सेव कर पाए, क्योंकि हर दिन ना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो नीड्स जो है ना डिमांड बढ़ते जाएगा, तो जब भी डिमांड बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, आपको मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन तरीके से करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, ताकि मेरा अच्छे से अर्थ में भी मेरा इकोलॉजिकल बैलेंस बन सके और मेरा एक तरह से मतलब मेंटेन रह सके मेरा अर्थ का टेम्परेचर और सब चीज़। अब वही बात है कि कंजर्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ में कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में, क्योंकि बिना कंजर्वेशन का तो हम पॉसिबल ही नहीं है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि बचाना, कैसे हम लोग बचाएंगे, कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि बचाना, तो हम लोग कैसे बचाएंगे, तो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब जो मिनरल्स है ना मेरा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब उसको हम लोग रिन्यू नहीं कर पाएंगे, मिनरल्स का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग रिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगता है बनने में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है बनने में, वही बात है, इसीलिए इसको हमको बचाना बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे उतना ही मिनरल्स निकाले जितना हमको जरूरत है ताकि हम लोग सस्टेनेबल इसका यूज कर पाए एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या क्या मेथड है, बहुत सारे का मेथड है कि हमको जितना जरूरत है उतना यूज करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम लोग प्लान वे से ना माइनिंग करें, अनप्लान्ड वे से नहीं, कहीं भी हम लोग इलीगल माइनिंग नहीं करें, प्लान वे से माइनिंग करें, हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी यूज करें, इंप्रूव जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करें, हम लोग लो ग्रेड भी जो ओर से उसको यूज कर पाए ताकि उसको हम लोग हाई ग्रेड के इस्तेमाल कर पाए, उसको यूज कर पाए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल एक्सट्रैक्ट हम लोग को ना करना पड़े, रिसाइकलिंग करें मेटल्स का, उसको रीयूज करें, इस तरह से क्या हो मेरा मिनरल्स का यूजेस मेरा कम होगा, मतलब उसको हम लोग कंजर्व कर पाएंगे। अगला क्या, हम लोग उसको स्क्रैप को यूज करें, मेटल्स को कुछ और हम लोग उसके जगह पर कुछ और यूज करें, उसका जो भी सबसे यूज करें, हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कम यूज करें, जैसे कि हम लोग यूज करें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को जो रिन्यू हो जाए उसको यूज करें, कुछ नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर आपको नैनो
टेक्नोलॉजी है, इस तरह के हम लोग एनर्जी इस्तेमाल करें, इस तरह के हम लोग रिसोर्सेज यूज करें, या इस तरह के हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करें कि जो हमारा ताकि हम लोग मिनरल्स को बचा पाए। अगला किया हम लोग कंट्रोल एक्सपोर्ट करें, हम लोग ये नहीं कि सब कुछ एक्सपोर्ट करें, हम लोग हिसाब से एक्सपोर्ट करें, उतना ही निकालें जितना हमको जरूरत है, और वेस्टेज को कम करें, क्योंकि जब हम लोग मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो बहुत ज्यादा है ना, मेरा एक्सट्रैक्ट करते तो वेस्ट निकलता है, तो उसमें हम लोग कम से कम वेस्ट निकाल पाए, और ताकि वेस्ट को भी हम लोग ऐसा यूज कर पाए, उसको फेंके नहीं, नहीं तो वो जाके कंटेमिनेट करके वाटर बॉडीज को, लैंड को करेगा खराब, मेरा सॉइल को करेगा खराब, तो ये कहीं ना कहीं वह क्या करता है, ये इन्वायरमेंट को ना डिग्रेड कर रहा है। तो वही बता रहा है कि हम लोग उसको मैक्सिमम यूज कर पाए, प्रोसेसिंग अच्छा करे, और उसको इतना अच्छा से मतलब उसको रिफाइनिंग करे कि मेरा मैक्सिमम चीज यूज हो जाए, ताकि मेरा वेस्ट मटेरियल कम निकल पाए, क्योंकि फ्यूचर में अर्थ बचेगा ही नहीं अगर हम लोग मिनरल ठीक से यूज नहीं करेंगे, या हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि टेम्परेचर हर दिन बढ़ रहा है, 1.5 डिग्री से टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि हमको सेव करना है अर्थ को, सेव करना है प्लानेट को, टेम्परेचर को भी कम करना है, तो हम लोग जाए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जाए ईवी यूज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन जो हम लोग कम करें, माइनिंग कम करें, और कोशिश करें कि हम लोग पेड़ पौधा लगाए और पेड़ पौधा लगाए, डिफोरेस्टेशन ना करें, एफोरेस्टेशन करें, और अर्थ को बचाए, क्योंकि अर्थ ही हम हमारा घर है। तो वही बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यूज करें नया, तो इस तरह से हम लोग बचा सकते हैं। तो यही था प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। अब अगले स्लाइड में हम लोग मतलब अगले पार्ट में पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या होता है, उसमें पढ़ेंगे जैसे कि कोल क्या है, पेट्रोल क्या है, और उसका टाइप पढ़ेंगे। तो अभी तक कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि उसको हम लोग सॉल्व कर पाए, और कहीं भी कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज पूछिए, और थैंक यू फॉर योर टाइम।